दमोह जिले के जवेरा थाना अंतर्गत आने वाले हरदुआ सुमेर के गांव के लोग एक बार फिर एसपी कार्यालय पहुंचे। दरअसल इस गांव के लोगों के द्वारा एसपी कार्यालय पहुंच करके एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें अवैध शराब बिकने की बात बताई गई थी। वहीं इनके द्वारा शिकायत किए जाने के बाद बीट प्रभारी एएसआई द्वारा इनको धमकी दी गई, जिसके बाद एक बार फिर यह लोग एसपी कार्यालय पहुंचे, साथ ही अपनी बात कही। अंतर्गत ग्राम चंडी चोपरा गांव के कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं और अन्य आसपास गांव के जो है ग्रामीण जन आए हुए हैं। इनकी मुख्य मांग है कि हमारे इलाके में कुछ अवैध शराब बिक रही है, उसे प्रतिबंध लगाया जाए। हम सहमत है कि अवैध शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए। हम स्थानीय पुलिस को निर्देशित भी करेंगे कि इन क्षेत्र में जो अवैध शराब का विक्रय हो रहा है उसे पूर्णतः प्रतिबंध लगाए। साथ ही इनके एक बिंदु और है कि वहाँ के जो बीट प्रभारी हैं उन्होंने ग्रामीण जनों के साथ जो व्यवहार शालीनता से नहीं किया गया है उसके बारे में, तो चूँकि हमारे प्रकरण संज्ञान में आ गया है, हम उसका जवाब भी लेंगे और उसका तस्दीक भी कराएंगे कि बीट प्रभारी का दायित्व है कि अवैध गतिविधियों को रोकना, और यदि कोई सूचना देता है तो उसके साथ व्यवहार शालीनता से किया जाए। जबेरा क्षेत्र की कुछ महिलाएं, जागरूक महिलाएं कहना चाहिए, जो चाहती हैं कि हमारे गांव में शराब की बिक्री ना हो, वह खुद स्वयं के व्यय पर 4 दिन पहले एसपी महोदय को ज्ञापन दे के आई थी कि हमारे गांव में अवैध शराब की बिक्री हो रही है, और काफ़ी महिलाओं को भी परेशानी है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको और जो वयस्क बालिकाएं हैं उनके लिए। तो इस संबंध से वहां के जो बीट प्रभारी हैं पीडी दुबे जी, वो नाराज़ हो गए, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ शराब माफियाओं से कुछ कमीशन का चलता होगा, इस कारण से वो नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर इनके झूठे प्रकरण दर्ज कराने का इनको धमकी दी, घर पे जाके गंदी गंदी गाली गलौज करी। यह सब मामला हम सभी लोगों ने एसपी महोदय के संज्ञान में डाला है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि कड़े कठिन से कठिन हम उसकी कार्रवाई उसके ऊपर करेंगे। यहाँ पर जो हरदुआ सुमेर है, जो कि जबेरा थाना क्षेत्र में आता है, यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है। इसके पहले भी एक सप्ताह नहीं हुआ, उसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि वहाँ पर अवैध शराब हो रही, गाली गलौच होता है और वहाँ पर जो जनता है वो, ये महिलाएं हैं, काफ़ी परेशान हो रही, क्योंकि क्या है, छेड़खानी के भी मामले आते हैं और कहीं ना कहीं जो मामला है वो बहुत गंभीर है। तो आज फिर से पुनः हम लोग ज्ञापन देने आए हैं एसपी साहब के यहाँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो जबेरा प्रभारी हैं, बीट प्रभारी पीडी शर्मा जी, वहाँ पर वो गए थे, दुबे जी वो वहाँ पर गए थे और इन लोगों पर डराया धमकाया कि अगर आप लोग कंप्लेन करने गए थे एसपी साहब के यहाँ भोपाल, वो लोग क्या कर लेंगे हमारा और हम क्या करेंगे आप पर, अवैध शराब आपके घर पे रखवा कर आप पर केस बनवाएंगे। तो इस तरीके का मतलब अगर शासन प्रशासन ये चीज़ करेगी तो बताइए आम जनता कहाँ जाएगी।